कमोडिटी मार्केट से जुड़ी हर खबर सिर्फ न्यूज मार्केट्स 24 पर। खबर काम की। नमस्कार दोस्तों, न्यूज मार्केट्स 24 चैनल में आप सभी का फिर से स्वागत है। रोजाना के तरीके मैं अजय सिंह आप लोगों के साथ जुड़ गया हूं। जैसे कि आपको मालूम है, अब हफ्ते के 3 दिन ही आप लोगों के साथ में आप लोगों को वीडियो पब्लिश करता हूं, और जैसा कि पीछे लगातार वीडियो पब्लिश हो रहे थे तो उस पर उतना प्रॉपर रिस्पांस नहीं आ रहा था, तो इसलिए इसको अब हफ्ते में 3 दिन कर दिया गया है। सोमवार के दिन, बुधवार के दिन, शनिवार के दिन। अगर रेगुलर वे में आप लोग हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं, मार्केट का ट्रेंड व्यू को समझना चाहते हैं, तो मॉर्निंग आप हमारा 9:30 का शो ज्वाइन कर सकते हैं। स्क्रीन पे नंबर फ्लैश हो रहा होगा, जाइए डिटेल लीजिए और मार्केट का ट्रेंड व्यू को हमारे साथ आप समझ सकते हैं। तो चलिए बात करते हैं किस तरीके से बाजारों में कामकाज होता हुआ नजर आ रहा है मंडी गोविंदगढ़ एमएस सिंगट पे। मंडी गोविंदगढ़ एमएस सिंगट की अगर बात करी जाए तो मंडी गोविंदगढ़ एमएस सिंगट पे आप देखेंगे, जैसे कि आप देख के चल सकते हैं कि बाजारों में जो स्थिति बनी हुई है, एक रेंज बाउंड, एक दायरे की स्थिति बनी हुई है। निचले स्तर पे बाजार जब गया, वहां से एक बाउंस बैक आता हुआ दिखाई दिया। बाजार ऊपर में 42,200 से 300 रुपए तक गया, लेकिन ऊपरी स्तर पे बाजार सस्टेन होने पे कामयाब नहीं हुआ। बाजारों में तेजी की बहुत कोशिश करी गई लेकिन बाजार सस्टेन नहीं हुआ। अगर निचले स्तर की बात करी जाए तो 41,300 से 42,000 रुपए बाजार हुआ कल के बाजारों में। 42,000 रुपए बाजारों पे कामकाज हुआ, इस पे 100 रुपए की मामूली बढ़त पर टन की देखी गई। एमएस स्क्रैप का बाजार भी इसी तरीके 30,800 रुपए का हो गया। एमएस सिंगल टोल्ड स्क्रैप का कन्वर्जन रेट की अगर बात करेंगे 11,200 रुपए रहा, यह बेसिक रेट है। इस पे 18% जीएसटी लोडिंग अनलोडिंग का चार्जेस आपको अलग से देना होता है। अब बात कर लेते हैं कास्ट आयरन की क्या स्थिति है। कास्ट आयरन में रॉ मटेरियल है, कास्ट आयरन लोहे बनाने में यूज आता है। कास्ट आयरन में मंडी गोविंदगढ़ टोका का बाजार 37,500 रुपए, इंपोर्टेड का बाजार 38,500 रुपए कास्ट आयरन का बाजार देखा गया। तो कास्ट आयरन के भाव में भी आप देख के चल सकते हैं, कास्ट आयरन के भाव बाजारों में स्थिरता के साथ ही कामकाज हो रहा है। विदेशी बाजारों की बात करें तो आयरन ओर में, रिवर में आज लगभग 2.5% की बड़ी गिरावट के साथ डालियान एक्सचेंज में कामकाज होता हुआ नजर आ रहा है। इसका असर घरेलू बाजारों में भी देखने को मिलेगा, लेकिन घरेलू बाजारों में ऑलरेडी बाजारों में इतनी जरूरत से ज्यादा गिरावट है कि बहुत ज्यादा यहाँ से पैनिक होता हुआ फिलहाल के लिए आपको नहीं दिखाई देगा। अगर हम बात करेंगे HRC CRC क्वाइल की, तो लुधियाना HRC क्वाइल का बाजार 51,000 रुपए पे कामकाज रहा। CRC क्वाइल का बाजार 59,000 रुपए। गाजियाबाद HRC क्वाइल का बाजार 51,000 रुपए। CRC क्वाइल का बाजार 57,000 रुपए पे कामकाज। कोलकाता HRC सीट की अगर हम बात करेंगे 49,800 रुपए। CRC सीट का बाजार 56,000 रुपए पे कामकाज हुआ। तो लगातार आप देख रहे हैं विदेशी बाजारों से लगातार जो संकेत आ रहे हैं गिरावट के ही आ रहे हैं। विदेशी बाजारों से सपोर्ट नहीं मिल पा रहा है। भारतीय बाजारों में आपको ऑलरेडी मालूम है कि बारिश चल रही है, उसका असर देखने के लिए मिल रहा है। उसके बावजूद भी बाजार में आपको एग्जैक्ट कहां पर एंट्री करनी है, कहां पर खरीदारी करनी है, इसके लिए आप मॉर्निंग सेशन आप हमारा ज्वाइन कर सकते हैं। स्क्रीन पर नंबर फ्लैश हो रहा होगा, जाइए डिटेल लीजिए और मार्केट के ट्रेंड व्यू को आप समझिए किस तरीके से बाजारों में कामकाज होता हुआ नजर आ रहा है। यहां पर भी जो भी हमने रेट बताए हैं HRC CRC के बेसिक रेट हैं, इस पर 18% जीएसटी आपको अलग से लगानी पड़ेगी। अब बात करेंगे रायपुर एचबी वायर। जैसे कि आपने देखा इंगट पे निचले स्तर से लगभग मोटा मोटा 700 रुपए पर टन की बढ़त देखी गई, और हमने बताया भी था न्यूज मार्केट 24 अपने मॉर्निंग सेशन में बताया था कहां खरीदारी करनी है, कहां पर आपको मुनाफा वसूली करनी है। ऑलरेडी लेबल दिए थे, आप भी अगर एडवांस में मार्केट के लेबल, मार्केट पे कहां पर खरीदारी करनी है, कहां पर हम सरिया में खरीदारी करें, कहां पर आप गाटर चैनल में, आप पुराने लोहे में इन्वेस्टमेंट करें, सारी जानकारी जाननी है तो आप हमारे साथ मॉर्निंग सेशन में आप जुड़ सकते हैं। स्क्रीन पर नंबर फ्लैश हो रहा होगा, जाइए तुरंत जाके अभी आ जाके संपर्क करिए और हमारे साथ मॉर्निंग सेशन में जुड़िए। रायपुर एचबी वायर की अगर हम बात करेंगे, रायपुर एचबी वायर का बाजार 45,200 रुपए पे कामकाज देखा गया। जीआई वायर का बाजार 49,500 रुपए रहा। एमएस पाइप पे गोविंदगढ़ पाइप का बाजार 45,000 रुपए, रायपुर पाइप का बाजार 41,900 रुपए पे कामकाज होता हुआ नजर आया। और जो आपने देखा रायपुर एचबी वायर हो, जीआई वायर हो, गोविंदगढ़ पाइप हो, सभी बाजारों में आपने देखा है कि बाजारों में एक अच्छी रिकवरी के साथ ही बाजारों में कामकाज होता हुआ आपने दिखाई दिया है, और एक निचले स्तर से 500 रुपए से 700 रुपए पर टन की तेजी देखी गई है। टीएमटी की अगर बात करेंगे, मंडी गोविंदगढ़ का बाजार 300 रुपए पर टन बढ़ के 46,500 रुपए हो गया, जबकि दुर्गापुर का बाजारों की अगर हम बात करेंगे तो दुर्गापुर का बाजार 41,200 रुपए, इसमें मामूली बढ़त है, 300 रुपए पर टन की बढ़त है। इंदौर का बाजार 46,000 रुपए, रायपुर का बाजार 100 रुपए बढ़ के 41,200 रुपए, जयपुर का बाजार 44,300 रुपए, मुजफ्फरनगर की बात करेंगे तो 44,900 रुपए, भावनगर का बाजार 46,200 रुपए, गाजियाबाद का बाजार 46,000 रुपए, जलना का बाजार 44,600 रुपए, पटना का बाजार 42,700 रुपए पे कामकाज होता हुआ आपको नजर आया।
ये भी सरिया के आपको मालूम है, सरिया के जो भी हमने रेट आपको बताए हैं सारे बेसिक रेट हैं, सारे बेसिक रेट हैं। इस पर आप सरिया पे आपको लोडिंग अनलोडिंग का चार्जेस 18% टैक्स प्लस डायर डिफरेंस का चार्जेस आपको अलग से देना होता है। अब बात कर लेते हैं स्पंज आयरन की क्या स्थिति। स्पंज आयरन में कुछ मामूली बढ़त दर्ज करी गई है। मंडी गोविंदगढ़ स्पंज आयरन का बाजार 30,000 रुपये, दुर्गापुर का बाजार 27,300 रुपये, रायगढ़ का बाजार 25,850 रुपये, रायपुर का बाजार 28,400 रुपये, राउरकेला का बाजार 26,000 रुपये पे कामकाज होता हुआ आपको नजर आया। तो बाजारों में आप देखेंगे यहाँ पर भी आप स्पंज आयरन में रॉ मटेरियल में जब जब बढ़त आती है तो उसका असर आपको घरेलू बाजारों में देखने मिलता है। रॉ मटेरियल में बढ़त के साथ कामकाज होता हुआ दिखाई दे रहा है। आज की अगर हम सपोर्ट और रेजिस्टेंस लेवल की बात करेंगे तो आज का सपोर्ट का लेवल 41,500 रुपये का, रेजिस्टेंस का लेवल 42,500 रुपये का, पुराने लोहे का सपोर्ट का लेवल 30,300 रुपये, रेजिस्टेंस की बात करेंगे तो 31,300 रुपये। ओवरऑल आउटलुक पे बाजारों में एक रेंज बाउंड दायरे में कामकाज होता हुआ नजर आएगा। अब चर्चा कर लेते हैं किस तरीके से मेटल बाजारों में कामकाज हो रहा है। मेटल बाजारों की अगर बात करेंगे, कापर का बाजार 784 रुपये पे कामकाज देखा गया। अगर लेड की बात करेंगे तो 185.90 रुपये MCX में, जिंक का बाजार 255.45 रुपये, एलुमिनियम का बाजार 216.15 रुपये। एलुमिनियम में बाजारों में स्ट्रेंथ है, एलुमिनियम 219 रुपये तक आप बाजारों में देख के चल सकते हैं। कापर का फिजिकल बाजारों की बात करें तो 798 रुपये पे कामकाज दिल्ली के बाजारों में कामकाज हो रहा है, जबकि जिंक का बाजार 267 रुपये के आसपास बाजारों में कामकाज है। निकिल का बाजार 1385 रुपये के पास कामकाज, 1395 रुपये के पास कामकाज होता हुआ नजर आ रहा है। तो बाजारों में उतार चढ़ाव जारी है, बहुत ज़्यादा तेजी बाजारों में नहीं देखी जाएगी, एक रेंज बाउंड दायरे में कामकाज होगा। बाकी मेटल में कहाँ खरीदारी करनी है, कहाँ पर कॉपर पीतल में आप खरीदारी करेंगे, इसके लिए भी मॉर्निंग सेशन आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं, स्क्रीन पर नंबर फ्रेश हो रहा होगा, जाके डिटेल ले सकते हैं। अब बात करते हैं क्रूड ऑयल की। क्रूड ऑयल 6621 रुपये पे बाजारों में कामकाज हो रहा है। सोने का भाव 70,516 रुपये, चांदी का बाजार 80,965 रुपये पे कामकाज होता हुआ नजर आ रहा है। तो सोने चांदी में भी कहां पर आप इन्वेस्टमेंट करके चल सकते हैं, किस तरीके से फिजिकल बाजारों में बाइंग करेंगे, वो जानकारी आपको प्रॉपर वे में आपको मॉर्निंग सेशन मिल जाती है। आप हमको यूट्यूब पे देखें, फेसबुक पे देखें, कहीं पर भी देखें, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक सब्सक्राइब शेयर करना ना भूलिए। जितना ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे तो इसी तरीके की जानकारी आपको मिलती रहेगी। और आपको बता देते हैं, किसी भी प्रकार के रेट्स के लिए AB लाइव का ऐप, एंड्रॉयड और आईफोन दोनों पर अवेलेबल है। अथेंटिकेट ऐप है, लास्ट 15 साल से कंपनी रन कर रही है। सही और सटीक रेट की जानकारी के लिए, अगर आपको जाननी है तो आप AB लाइव ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं, स्क्रीन पर नंबर फ्लैश हो रहा होगा, जाइए डिटेल लीजिए मार्केट के ट्रेंड व्यू को। और वहाँ पर आप जाएंगे नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में AB लाइव का ऐप आपको लिंक मिल जाएगा, वहाँ पर जाके आप डिटेल ले सकते हैं। तो सारी जानकारी दे दी, फिर मिलते हैं आप लोगों से एक नई खबर के साथ। तब तक आप लोग स्वस्थ रहिए, सुरक्षित रहिए। जय हिंद, जय भारत। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ मार्केट 24। नमस्कार।